भारत में ठंड का कहर लगातार जारी है। दिल्ली एनसीआर में कोहरे के सितम के आगे सब कुछ बेबस सा नजर आ रहा है। दिल्ली में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। मौसम विभाग ने आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में घने कोहरे की संभावना भी जताई है। देखिए, देश भर में इस वक्त सर्दी का सितम जारी है। उत्तर भारत के कई राज्य घने कोहरे की चपेट में हैं। मौसम विभाग का कहना है कि बुधवार को पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में घने से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में सुबह कोहरा छाया हुआ है। हालांकि दिन में धूप निकलने के बाद मौसम साफ होने की उम्मीद भी दिखाई दे रही है। दिल्ली में सबसे ठंडा दिन सोमवार था, क्योंकि इस दिन तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। आने वाले दिनों में भी राजधानी में घना कोहरा छाए रहने की संभावना हो सकती है। दिल्ली की हवा अभी बहुत खराब श्रेणी में है। 0 और 50 के बीच AQI को अच्छा, 51 और 100 के बीच संतोषजनक, 101 और 200 के बीच मध्यम, 201 और 300 के बीच खराब, 301 और 400 के बीच बहुत खराब और 401 और 500 के बीच गंभीर माना जाता है। IMD का कहना है कि हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, बिहार में 17 से 18 जनवरी का दिन ठंडे से बहुत ठंडा रहने की संभावना है। विभाग के मुताबिक 19 जनवरी से झारखंड, उड़ीसा में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है, जिससे यहां तापमान में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। यानी कि अभी तो ये ट्रेलर है, आने वाले समय में ठंड असल पिक्चर दिखा सकती है।